हाँ तो दोस्तों देखिए, अगर आप सभी ड्रीम इलेवन पे अच्छा कमाना चाहते हैं ना, तो आप सभी को कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा बनाना होगा। काफ़ी सारे लोग होते हैं कि मेहनत करते हैं खाली टीम पर, हमेशा सर्च करेंगे अच्छी टीम कैसे बनाएं, ड्रीम इलेवन की सबसे अच्छी टीम किस तरह से बनाएं, रैंक वन लाने वाली टीम कैसे बनाएं। टीम तो आप लोग अच्छा बना देते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत सारे लोग का फ्लॉप हो जाता है। देखिए, कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा बनाने का तरीका आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में, और आपको बताऊंगा ना कि आप सभी किस तरह से अपना कैप्टन वाइस कैप्टन, अपने खुद के बनाए गए कैप्टन वाइस कैप्टन पर खुद से ट्रस्ट ला सकते हैं आप सभी, और वो कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कभी फ्लॉप होगा ही नहीं। वो आपको हमेशा अच्छा पॉइंट देगा, और आपको अच्छा पॉइंट के साथ साथ आपको अच्छी रैंक पर ले जा सकता है। यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत आपके साथ रही, अच्छी रही, तो आप सभी ड्रीम इलेवन विन भी कर सकते हैं, विनर भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है दोस्तों। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए और आप सभी कुछ और भी चीज़ें सीख पाएँ। हमेशा दोस्तों हम इस यूट्यूब चैनल पर कुछ सीखने वाली चीज़ें बताते हैं, चाहे हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स लॉजिक्स हो या फिर हमारी प्रिडिक्शन में अगर हम आप सभी को कुछ देते हैं, तो कुछ एग्जांपल साथ ही साथ मोटिवेट करते हैं कि आप सभी अगर इस ऐप को खेलते हैं ना, तो आप सभी कुछ अपने गोल्स रखें कि मुझे इतना कमाना है इतने दिनों के अंदर में। आप सभी एक छोटा छोटा गोल रख लीजिए कि मुझे इतना अर्न करना है इतने दिनों में, इतना मतलब अगर आप सभी इतना हार जाते हैं तो उसके हिसाब से अपना गोल रखिए। अगर आप सभी एक छोटे छोटे गोल को रखिएगा ना, तो आप सभी काफ़ी अच्छी विनिंग्स कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट से ही चाहिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। आपको हमेशा कुछ सीखना चाहिए। अगर आप सभी सीख जाते हैं कुछ महीने कुछ साल तक, तो आप सभी एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप सभी अच्छे टीम 4-5 साल से खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक विन नहीं कर पाए हैं। हाँ, हालांकि ये हो सकता है 1000-2000 रुपए कमाए होंगे, उसी में आप सभी खुश हैं। अगर आप सभी का सपना हो चुका है ना कि आप सभी ड्रीम इलेवन विन करें, तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। मैं यही चीज़ आप सभी को बार बार कह रहा हूँ कि टीम बना तो लेते हैं आप सभी मेहनत से, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पर ध्यान नहीं देते हैं। जो भी कोई बंदा बताता है उसको ले लेते हैं। आपको कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा अपने हिसाब से बनाना चाहिए। दूसरा अगर कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बताता है कि इसको ले लो, तो आपको उसको कॉपी नहीं करना है। अगर आप सभी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने का तरीका नहीं सीखे हैं, तब आप सभी उसका कॉपी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाले हैं जो कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन खुद से अच्छा बना सके। देखिए मेरे बड़े भाई, अगर आप सभी खुद से कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से बनाना सीख जाएंगे ना, तो किसी के भरोसे नहीं रहेगा। आपको बताऊंगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन उसी टीम के हिसाब से किस तरह से लेना है आपको। आपको खुद से कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ करना होगा, क्योंकि दोस्तों दूसरे के बताए गए टीम से आप सभी सिर्फ थोड़ा सा विनिंग्स कर सकते हैं, 4 गुना 5 गुना 10 गुना, लेकिन कभी भी रैंक 1 या फिर रैंक 10, 20, 30 में नहीं आ सकते आप कभी। ठीक है, अगर आपको उतने लेवल पर आना है, तो आपको खुद से टीम बनाना है। कोई भी आपको बताता है ना, तो वो बताई गई टीम से आप नहीं, काफ़ी सारे लोग खेलते हैं उसी टीम से, तो उस टीम से आपको विन करना नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा थोड़ा सा अच्छा पैसा विन कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग विन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको टीम हमेशा खुद से बनाना होगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो में चलते हैं अपने जो हमने आज टिप्स एंड ट्रिक्स लाया है आप सभी के लिए, वो कैप्टन वाइस कैप्टन बेस्ट कैसे बनाए। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर नज़र देखना है दोस्तों। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ। यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बेस्ट ट्रिक इन ड्रीम इलेवन। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ड्रीम इलेवन पर कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा से अच्छा कैसे बनाना है, वही चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैं एक बार फिर से कह देना चाहूँगा आप सभी को कि वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को आगे भगाते हुए नहीं देखना है। अगर आप सभी कुछ सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वक्त दें हमें, और मैं आप सभी को हर चीज़ लाइन बाय लाइन समझाऊँगा, उसको समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप सभी कुछ समझना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको उस टाइम को हमें देना पड़ेगा। अगर आप सभी हमारे टाइम को मतलब अपने टाइम को हमारे साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो आप सभी काफ़ी अच्छी विनिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप सभी सीख सकेगा। नंबर 1 है दोस्तों बैटिंग पिच। यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हैं बैटिंग पिच लिखा हुआ है। आपको बैटिंग पिच पर आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जिस जगह पर मैच होने वाला है ना, उस जगह का पिच रिपोर्ट जाना है।
कि वो बैटिंग पीछे है या बॉलिंग पीछे है या फिर बैलेंस पीछे है। ये तीन चीज़ें आपको हमेशा जानना पड़ेगा, चाहे आप कोई सा भी मैच खेल रहे हो, एशिया कप हो, ODI कप हो या फिर वर्ल्ड कप हो, कोई से भी मैच हो। दोस्तों अगर आप सभी को हमारे जैसे कि अगर आप सभी हमारे टीम से खेलना चाहते हैं, यानी कि अगर आप सभी अभी तक टीम बनाना या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना नहीं सीखे हैं ना, तो आप सभी हमारे टीम से खेल सकते हैं। हम आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर अपनी बेस्ट टीम देते हैं, उससे आप सभी अच्छी विनिंग्स कर सकते हैं। हालांकि मैं आप सभी को ये नहीं कह सकता कि आपको विन करा दूंगा, मैं ये कभी नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन आप सभी को 4-5 गुना 10 गुना विनिंग्स करा सकता हूँ। पैसे अगर 49 लगाते हैं तो 1,000 2,000 3,000 तक विन करा सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि करोड़ों विन करा दो, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हैं कि 5 गुना 10 गुना कमाएं अगर 49 लगाकर, तो हमारे इस चैनल पर जुड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो नेक्स्ट प्रिडिक्शन आएगी ना, उसके लिए भी आप तैयार रहें। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें आप सभी को बहुत ही अच्छी टीम बनाकर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले हमने काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेयर्स के बारे में अभी हमने जाना है, और कौन सा प्लेयर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल से कॉपी में लिख के रखा है डायरी में। उन्हीं प्लेयर्स को अपने टीम के लिए हम सेलेक्ट करने वाले हैं, और उसी से आप सभी अच्छा विनिंग्स कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, हमारे टेलीग्राम पर पहले 100 या 150 प्लस थे सब्सक्राइबर, लेकिन अभी बहुत ही कम हो चुके हैं, 6-7 हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि मैं बीच में टेलीग्राम पर कुछ भी नहीं अपलोड करता था, कुछ भी किसी को नहीं देता था, वो दोस्तों कुछ दिक्कत आ गई थी इसीलिए। अब लेकिन दोस्तों अभी हमारे पास सिर्फ 10 बंदे ही ऐड हैं, करीब करीब 30 बंदे जब तक ऐड नहीं होंगे तब तक हम वहाँ पर आपको कुछ नहीं दे सकते। इसीलिए आपको कहा जा रहा है टेलीग्राम से जुड़े। आप में से कई सारे लोग आते हैं टेलीग्राम पर, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं गया है, फिर लेफ्ट हो जाते हैं। ये आपको नहीं करना है, ज्वाइन होइए। आप सभी बस 10 दिन ज्वाइन होकर रहिए, आपको अगर उसके बाद टीम नहीं मिलती है तो आप सभी लेफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट होने के लिए आपको वहाँ ज़िंदगी भर टाइम है, लेकिन आपको सीखने के लिए ज़िंदगी भर टाइम नहीं है। इसीलिए आपको 10 दिन वहाँ पर टाइम देना है, 10 दिन के बाद से मैं आप सभी को बहुत ही अच्छी टीम और साथ साथ प्रेडिक्शन दूंगा। देखिए, आपको उस जगह पर टीम दी जाएगी बेस्ट प्रेडिक्शन। अब दोस्तों वहाँ पर क्यों देंगे हम, क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिन मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है। देखिए, कभी कभी वीडियो बनाने में लेट हो सकता है, या फिर हम जो वीडियो में टीम को लिए हैं ना, उसमें से कुछ प्लेयर चेंज हो सकते हैं, या फिर उसमें से जिस प्लेयर को हमने लिया है वो बैठ सकते हैं, नहीं खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो उन प्लेयर्स की जगह पे हम दूसरे प्लेयर को ले सकते हैं। और दूसरे प्लेयर के लेने के बाद आपको तुरंत से टीम बनाकर देना, आधा घंटा पहले बहुत ही वीडियो बनाओ फिर टीम बनाकर आपको दो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए वहाँ पर नया टीम बनाते हैं दूसरा, और आपको टेलीग्राम के जरिए दे देते हैं, जिससे कि आपको तुरंत से टीम मिल जाएगा और आप अच्छा विनिंग्स कर सकते हैं। इसीलिए टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद 10 दिन वेट करिए, 30 से 40 बंदे को ऐड होने दीजिए। वहाँ पर ऐड होने के बाद आप सभी को अच्छी टीम मिलने लगेगी, क्योंकि दोस्तों 10 से 15 लोग ही ऐड है वहाँ पर, तो उतने कम लोगों में आप सभी को देना बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए आपको ऐड होना है, लेफ्ट नहीं होना दोस्तों इसीलिए। और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको बेसिकली ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करना है, चलते हैं हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जो आप सभी के लिए हम आज लेकर आए हैं। तो सबसे पहला काम है आप सभी को पिच रिपोर्ट जानना। देखिए, अगर आप सभी पिच रिपोर्ट जान लेते हैं कि आज का हमारा पिच कौन सा है, बैलेंस पिच है या फिर बैटिंग पिच है या फिर बॉलिंग पिच है, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा जानना है। देखिए, आपको प्लेयर किस तरह के पिच पर लेना है, अगर आपको मालूम चलता है कि आज का पिच जो है या फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उन दोनों को जो मुकाबला होगा जिस ग्राउंड पर, उसका पिच रिपोर्ट क्या है, मालूम चलता है आपको बैटिंग पिच है, तो बैटिंग पिच में किस तरह के प्लेयर्स को और किस सेक्शन से ज़्यादा प्लेयर, किस सेक्शन से कम प्लेयर को लेना है, वो आप सभी जान लीजिए, फिर कैप्टन वाइस कैप्टन लीजिएगा, ठीक है। देखिए, नंबर वन है पिच रिपोर्ट, नहीं बैटिंग पिच। बैटिंग पिच में से आपको सबसे पहले विकेट कीपिंग से कितने को लेना है, एक या फिर एक, दो टीम अगर आप सभी बनाते हैं तो दोनों में से एक एक टीम को, एक एक विकेट कीपिंग से हमेशा एक प्लेयर को लीजिए, चाहे आप दो टीम बनाएं या तीन टीम। दोस्तों अगर आप सभी ज़्यादा टीम बनाना चाहते हैं तो तीन टीम बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कम से कम बनाना है तो एक टीम,
ज़्यादा से ज़्यादा तीन टीम से ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। आप सभी सोचते हैं कि 20 टीम बना देंगे तो 20 टीम में से एक ना एक टीम आ जाएगी रैंक वन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। 20 टीम आपकी लॉस में जा सकती है क्योंकि एक टीम बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप सभी 20 टीम बनाइएगा इसी तरह, तो कुछ नहीं हो सकता उस टीम का। इसीलिए आपको एक दो या तीन टीम से ज़्यादा नहीं बनाना है। तो मैं यहाँ पर दो टीम के लिए रिकॉर्ड लाया हूँ। अगर आप सभी दो टीम बनाते हैं तो एक टीम में आप सभी एक प्लेयर या फिर एक विकेट कीपिंग से एक एक क्यू ही लीजिए। बैटिंग सेक्शन में 5-6 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, मतलब 5 ले सकते हैं या फिर 6। अगर बैटिंग पिच निकलती है तो 5 प्लेयर को लीजिए या फिर 6 बैट्समैन को या फिर 5 बैट्समैन को। ऑलराउंडर में से आपको एक या दो प्लेयर को लेना है, ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन से एक या फिर दो। और वहीं पे बॉलर की बात कर ले तो 3-3 बॉलर हमेशा रखिए बैटिंग सेक्शन में। और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन बैटिंग पिच पर किसको बनाना है वो आपको बता देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप सभी सीरियस चल रहे हैं, आपको मालूम है कि आगे कुआं है तो आप गिरिएगा ही ना भैया। अगर मालूम चलता है कि आगे कुआं है, हम जाएंगे आगे तो गिर जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि बैटिंग पिच है। अगर आप सभी बॉलिंग में से कैप्टन को वाइस कैप्टन बनाते हैं तो लॉस में जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बॉलर चलेगा ही नहीं। साफ साफ लिखा है कि बैटिंग पिच है। और बैटिंग पिच किस लिए है, क्योंकि वहाँ प्लेयर जो है, बैट्समैन जो है, बहुत अच्छा रन स्कोर करते हैं। तो वहाँ बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। अगर आप सभी बनाते हैं बैटिंग पिच पर, अगर आप सभी बना देंगे बॉलर को या फिर ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन, तो कहाँ से होगा। इसीलिए कैप्टन वाइस कैप्टन बैटिंग पिच पर हमेशा बैट्समैन को बनाइए, चाहे कैप्टन बनाइए या फिर वाइस कैप्टन बैटिंग से लीजिए। यही ट्रिक है दोस्तों। अगर आप सभी इसको फॉलो करते हैं ना, 10-15 दिन फॉलो करिए, काफ़ी अच्छी विनिंग्स होने लगी है आप सभी की। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं बॉलिंग पिच की। बॉलिंग पिच है दोस्तों, आपको विकेट कीपिंग एक एक लेना है। बैटिंग में से आपको 3-3 को लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन चलेंगे ही नहीं। बॉलिंग पिच है भाई, बॉलर ज़्यादा चलने वाले हैं। विकेट और ऑलराउंडर सेक्शन से दो या फिर एक को ले सकते हैं। और बॉलर से 5 या 6 इसलिए कहने के लिए मैं ले रहा हूँ ना, कहने के लिए मैं आपको लेने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये बॉलिंग पिच है और बॉलिंग पिच पर हमेशा अच्छे बॉलर से फ़ायदा उठाते हैं। बैट्समैन चलेगा ही नहीं भाई, बॉलर पिच है, कभी कट के आ जाएगा गेंदा तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता बैट्समैन। इसीलिए मेरे बड़े भाई, आपको हमेशा बॉलिंग पिच पर 5 या 6 बॉलर को लेना है और बैटिंग पिच पर आपको 5 या 6 बैट्समैन लेना है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, अब बॉलिंग सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन, मालूम चलता है कि बैटिंग बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग पिच पर हमेशा आप सभी बॉलर को बनाइए। अभी हमने कहा था कि अगर आप सभी के सामने कुआं है, आप सभी सीधे चलते जाएंगे तो मालूम है ना आपको गिरेंगे ही गिरेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी वही है, बॉलिंग पिच है। अब बॉलिंग पिच पर आपको ज़्यादा बॉलर, ज़्यादा अगर विकेट लेते हैं तो आप सभी को अच्छा बॉलर को ढूंढना है, उसी को कैप्टन और दूसरे वाइस कैप्टन को बना देना है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझना चाहिए और यही चीज़ आपको कैप्टन वाइस कैप्टन यही चीज़ है, और इसी से आप सभी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। और बाकी कोई तरीका नहीं है कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छा बनाने। टीम तो आप लोग हमेशा अच्छा बना ही लेते हैं लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप रहते हैं। अगर आपको चाहिए अच्छा तो यही सब चीज़ है। बैलेंस पिच की ये बात कर लेते हैं तो विकेट की पिच से एक एक को ही लेना है। बैट्समैन से 4 या 3 ले सकते हैं, ऑलराउंडर से 2 या 3 ले सकते हैं और बॉलर से 4-4 लीजिए। बैलेंस पिच पर भी ज़्यादातर देखा जाता है कि बॉलर ही अच्छा विकेट लेते हैं, तो बॉलर को 4 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले टीम को आपको 5-6 का कॉम्बिनेशन बनाना है। और कैप्टन के लिए आप सभी एक बैट्समैन को लीजिए और दूसरा वाइस कैप्टन के लिए बॉलर को ले सकते हैं, या फिर कैप्टन ले रहे हैं बॉलर से तो ले सकते हैं बैट्समैन से वाइस कैप्टन। तो यही चीज़ है, देखिए अगर आप सभी कैप्टन ले रहे हैं बैट्समैन से तो वाइस कैप्टन लीजिए बॉलर से। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बॉलर ले रहे हैं अगर कैप्टन तो वाइस कैप्टन लीजिए बैट्समैन। यही चीज़ है और इसको आप सभी फॉलो करिए 10-15 दिन। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, आप सभी को इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। और अगर आप सभी ये किस्मत अच्छी रही तो पहले दिन से ही अच्छी विनिंग शुरू हो जाएगी, और अगर किस्मत सही नहीं है तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन आपकी विनिंग्स होने लगेगी। और दोस्तों आप सभी को कहना है कि अगर आप सभी इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारा टाटा और बाय बाय।